दुश्वार जो आप लोग क्या नाम है तुम्हारा बेटा? बंसरी। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। कौन से क्लास में पढ़ती हो? क्यों स्कूल क्यों नहीं जाती? ए, कौन है रे? जी नमस्ते, हम लोग दिल्ली से आए हैं, आप लोगों के बारे में जानने। दिल्ली से? अच्छा, अरे माँ किधर है? बुलाओ उसको, देख तुमको लेने दिल्ली से आए हैं। अरे किधर गई? देख आ गए लोग दिल्ली से। नमस्ते। बात कर, सौदा पक्का कर जल्दी। तीन लड़की है हमारी, तीनों एकदम सीधा, जो बोलोगे वही करेगी, काम धंधा से लेके सब कुछ। ये आप लोग क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे इसमें समझने की क्या है, आपको लड़की चाहिए, पैसे दीजिए ले जाइए, दिल्ली बॉम्बे जहाँ ले जाना हो। क्या कहीं आप लोग अपनी बेटियों को बेचने की तो बात नहीं कर रहे? देखिए हम वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, हम इन्हें खरीदने नहीं आए हैं, हम तो आप लोगों की परेशानी समझने आए हैं। अरे यही तो परेशानी है, चाहिए तो एक के बदले तीन ले जाओ, लेकिन पैसा हमको अभी के अभी चाहिए। हाँ, पैसा चाहिए। आप लोग अपनी बेटियों का सौदा करने की बात कर रहे हैं, बेचने की बात कर रहे हैं उनको? एक सर्वे के मुताबिक हमारे देश में हर साल लाखों लड़कियां मानव तस्करी का शिकार होती आ रही है, कभी शादी के नाम पर, कभी पढ़ाने के नाम पर, और कभी अच्छे जीवन यापन करने के नाम पर गरीब माँ बाप अपने ही बच्चों का सौदा दलालों के साथ कर देते हैं। ये एक बहुत ही जटिल समस्या है जिसके कारणों का पता करना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ जरूरी है इसके खिलाफ हिम्मत से खड़े होने की। डॉक्टर रश्मि तिवारी ने जब अपने उड़ीसा दौरे पर यह दृश्य देखा तो वो हैरान रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर कैसे कोई माँ बाप थोड़े से पैसों के लिए अपनी ही बच्चियों का सौदा कर रहे थे। दिल्ली लौटकर तो उनका मन ही बदल चुका था, अब वो इन मासूमों को मानव तस्करी से बचाना चाहती थी। क्या बात, आज तुम ऑफिस में? आज तुम मुझे तैयार करने में लगी हुई हो, अरे कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? एनी प्रॉब्लम? हाँ, एक्चुअली मैं काफी दिनों से परेशान हूँ, कई बार चाह आपको बता दूं पर कह नहीं पाए। अरे तो आज कह दो ना, ऐसी कौन सी खास बात है जो मुझसे कह नहीं पा रही हो? मैंने कुछ डिसाइड किया, मैं अपना काम छोड़ना चाहती हूँ। क्या तुम अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का जॉब छोड़ना चाहती हो? मैं जान सकता हूँ क्यों? एक्चुअली मैं वुमेन ट्रैफिकिंग पे काम करना चाहती हूँ। पर कहाँ? झारखंड। वाह, जगह भी अच्छी चुनी हो तुम, तुम्हें पता है सबसे डिस्टर्ब जगह है वो, आए दिन नक्सलियों की घटना होती रहती है वहाँ पे। वही तो जानना चाहती हूँ मैं कि मानव तस्करी और नक्सल में कोई संबंध तो नहीं है। पर तुम्हें क्या लगता है, सरकार की जब बड़ी बड़ी पॉलिसी ये काम नहीं कर पा रही है वो तुम कर सकती हो? क्यों नहीं, अगर हर एक इंसान यही सोचकर कुछ ना करे और सरकार के पॉलिसी पर सवाल उठाए तो बदलाव कहां से आएगा? मैंने देखा है अपनी आंखों से कैसे मासूम बच्चियों के मजबूर माँ बाप किसी अजनबी के साथ उन्हें बेच देते हैं, और उनका कोई पता ठिकाना तक नहीं रहता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन मासूमों को बचा सकती हूँ, और अगर मैं उन लोगों में से कुछ को भी बचा पाई तो मुझे बहुत खुशी होगी।
तो शुरू करो अपना नया सामाजिक काम। सच में? हाँ हाँ सच में। थैंक यू सो मच। गौरंग, देख रहे हो कितना खूबसूरत है झारखंड। देवी, झारखंड सुंदर ही नहीं बल्कि यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। बस कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से ये लोग भटक गए। हाँ, गरीबी और अशिक्षा की वजह से। जो मैंने यहाँ के बारे में पढ़ा है, माँ बाप बच्चों का ख्याल नहीं रखते और खुद शराब पीकर पड़े रहते हैं। भाई साहब, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? लगा भी और नहीं भी लगा। 20 रुपया निकालो। निकालिए 20 रुपया। एक पेटी लूंगा तो सारा दर्द छूम अंतर हो जाएगा। गौरंग, कहाँ पहुंचे हम लोग और कितनी दूर जाना है? दीदी, ये टोरी चंदवा है। पहले ये पलामू जिला में पड़ता था, लेकिन ये अब लातेहार जिला में पड़ता है। और यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है वो गांव जहाँ हमें जाना है। चलिए। अरे ऐश करेगी तुम्हारी बेटी, ऐश। अरे दिल्ली जाना आसान है। अरे दिल्ली जाने के लिए नेता लोग चुनाव में खड़े होकर जीतने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। हाँ, काहे लगा देते हैं? अरे दिल्ली जाने के लिए। एक बार जो दिल्ली गया, बस समझो उसका बेड़ा पार हो गया। और यहाँ जैसे वहाँ भूखे पेट काम नहीं करते हैं, और वहाँ टाइम से खाना भी मिलेगा, और काम बस पढ़ाई के बाद थोड़ा मोड़ा। अच्छा, हमारे छुआ लोग स्कूल जाएगी? अरे यही तो तुमको हम बोल रहे हैं, ये सुनवा नहीं करते हैं। अरे वो लोग जहाँ जा रही है ना, हाँ। वहाँ वो लोग पढ़ाई करेगी और थोड़ा मोड़ा काम करेगी, बस है ना बाबू? मैं एकदम ठीक बोलता है। सुन, बच्चा लोग दिख नहीं रहा है किधर है, काहे कि एक बार देख लेते तो दाम तय करने में थोड़ा ठीक हो जाता। अरे सुगरा, जा किन्ने तूने बुला के लिया तूने? हम नहीं जाएंगे। पर कुड़िया कहीं का ए फुलमनिया के माई, हाँ। जा तू बुला के लिया तो। ए फुलमनिया, अरे किन्ने है रे, आओ आओ इन्ने आओ। अच्छा है ना? छोड़ नहीं, हम पैसा नहीं देंगे। अरे झगड़ा नहीं करो तुम लोग, ये तो सिर्फ एडवांस है बुकिंग के लिए। पूरा माल तो तब मिलेगा जब वो लोग आएंगे इनको लेने के लिए। कौन लोग? अरे लो, पूरी रामायण खत्म हो गई, द्रौपदी कौन है पता ही नहीं। अरे दिल्ली वाले लोग। दिल्ली वाले? दिल्ली वाले? दिल्ली वाले। अब चलो तुम लोग इस पैसे साइज करो। लेकिन याद रखना, एडवांस दिया है। ये पैसा हम नहीं देंगे। है? ये पैसा से हम खेत खरीदेंगे कि? अरे नहीं तो नहीं, अरे पीने के लिए दिया है। खेत खरीदने के लिए तो उन लोग देगा। कौन लोग?
से आएंगे। अरे नहीं नहीं हम नहीं देंगे ये पैसा को। सुनो, अरे सुनो, हम लोग तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। सुनती नहीं। नमस्ते। देखिए, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए काम करते हैं, हमें आपसे कुछ बात करना है। ये लोग तो सुनने को तैयार नहीं है। एक्चुअली हमें अचानक देखकर घबरा गए हैं। देखो बच्चे लोग खेल रहे हैं, चलो उनके पास चलते हैं। हेलो बच्चे लोग, आप लोग कैसे हो? स्कूल जाते हो आप लोग? देखो तुम लोग अगर हमसे बात करोगे तो हम तुम्हें सिंघाड़ा और पंतुआ देंगे खाने के लिए। देखो हमारे पास है, चलो हम बैठ कर खाते हैं। चलो चलो चलो। ये लो तुम भी लो। क्या नाम है तुम्हारा? सुखमनी। अरे वाह, अच्छा नाम है ना। और तुम्हारा? मेरा नाम सुकरा। सुकरा, बहुत अच्छा नाम है। और तुम्हारा? हमारा नाम फुलमनिया। अरे वाह फुलमनी। और तुम्हारा नाम? सुखिया। सुखिया भी बहुत अच्छा नाम है। ये लो तुम भी लो। सबको मिल गया? हाँ मिल गया। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, तुम लोग में से कौन कौन स्कूल जाता है? हाथ उठाओ। सुखरा, तुमने हाथ उठा करके नीचे क्यों कर दिया? पहले जाते थे, अब नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते अब? किताब नहीं था तो मास्टर जी मारते थे, बोलते थे कि किताब लेकर आओ या भैंस चराने जाओ। अरे हंसो नहीं। ठीक है, तुम्हारे लिए किताबें हम लेकर आएंगे। देखो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है, पढ़ोगे नहीं तो बड़े आदमी कैसे बनोगे? तुम्हारे स्कूल में एडमिशन हम कराएंगे, तुम्हारे माँ बाप से हम बात करेंगे। तब तक मेरे पास आओगे ना पढ़ने के लिए? सिंघाड़ा पंतुआ मिलेगा तो रोज आएंगे। दिल्ली से आकर इस गांव के बच्चों से मिलकर एक अलग ही एहसास हुआ। उनके साथ बात कर अपनापन महसूस हुआ। एक समोसा और एक गुलाब जामुन उनको हमसे इतना करीब ले आएगा पता ही नहीं था। पर उनकी हालत देखकर मन दुखी हुआ। भूखा पेट पर बदन पर ठीक से कपड़ा तक नहीं, पर सोच वही जो सामान्य बच्चों की होती है। आगे बढ़ने की ललक उनमें भी है, बस कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। अगर मुझे उनकी ज़िंदगी संवारने में थोड़ी भी कामयाबी मिलती है तो मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। कमाल करती हो तुम भी, जगह भी चुना तो झारखंड, उसमें भी टोड़ी जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और जो नक्सल एरिया के नाम से जाना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। और फिर नक्सल भी तो आम इंसान ही होते हैं, और अगर हम इस इलाके की लड़कियों के भविष्य के लिए कुछ काम करेंगे तो इन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अरे उनको किस चीज से प्रॉब्लम है यही तो पता नहीं। अगर पता होता तो उनकी समस्या कब के खत्म हो गई होती। देखो तुम जो कर रही हो वो मेरे लिए प्राउड की बात है, पर काम करने का जोश में अपने आप को मत भूल जाना। मैं अपने आप को कैसे भूल सकती हूँ? पता है कल जब उन बच्चों से मिली
तो मुझे अपना बचपन याद आ गया, वो बचपन जो माँ की गोद में भटका हुआ असहाय एक मंजिल को तलाश रहा था, और अचानक चाची के गुजरने के बाद जब मुंबई से हमें बाहर जाने के लिए कह दिया गया था। देखो भाभी, रश्मि अब छोटी बच्ची नहीं रही, अब ये बड़ी हो रही है। इसकी चाची जब तक थी तब वो इसका ख्याल रखती थी, अब उसके जाने के बाद मैं भी अकेला हो गया हूँ। बेहतर यही होगा कि आप इसे लेकर गांव चली जाओ, वहाँ मुंबई जैसा खर्चा भी नहीं है और वहाँ इसका लालन पालन भी ठीक से हो पाएगा। हेलो रश्मि, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, आपने चाय पी? हाँ। और तुमने? हाँ पी लूंगी, आप अपना ख्याल रखना। और तुम भी। वो तो कहबे किया था कोई लेदा सिंह कि कोई दिल्ली से आने वाला है। अरे तो कहबे किया था का? कि हम बहुते कचिया देंगे, रुपया देंगे, मगर ये सिंघोर आर पंतुआ देके ठाई के ले जाना चाहता है। ऐसन कैसे होने देंगे? वही तो देखते हैं, आज उसको आने दो। हाँ आने तो दो। कैसे हो आप सब? ठीक है। सिंगाड़ा लाए हैं का? और पंतुआ सब लाए हैं, पर हाँ आज तुम लोगों को हमारे साथ ज्यादा समय बिताना होगा, और आज हम तुम्हारे माँ बाप से भी मिलेंगे। और हम भी आप लोग से मिलना चाहते हैं। नमस्ते। देखिए लेदा सिंह कुछ और बोल रहा था और आप लोग कुछ और कर रहे हैं। ये लेदा सिंह कौन है, क्या कहा था उसने? अरे वो तो बोल रहा था कि आप लोग दिल्ली से आके और हमारा लड़की लोग को लेके जाएंगे और बदले में ढेर सारा पैसा देंगे। लड़की लोग को लेके जाएंगे, ढेर सारा पैसा देंगे? हाँ, और आप लोग इन लोगों को सिंघाड़ा खिला के हम लोगों को सबको ठग रहे हैं। हाँ। अरे आप लोग कैसी बात कर रहे हैं, हम दिल्ली से जरूर आए हैं लेकिन हम वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। देखिए हम लोग आपकी लड़कियों को खरीदने नहीं आए, बल्कि आप लोगों को समझाने आए हैं कि बेटियां कोई सौदे की चीज नहीं है। ये तो कुछ और बोल रहा है। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग, ये लेदा सिंह है कौन? आप चिंता मत कीजिए, बस आप लोग पैसा लेकर आ जाइए। अरे एक नहीं दो दो है तैयार। हमरो नाम लेदा सिंह है, अरे जब बोल दिया सब बोल दिया, बस अब आप लोग लेट मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप लोग आ जाइए। हाँ और हम एडवांस दे दिए हैं, हाँ बस आप लोग आ जाइए। क्या क्या नाम है उसका? रश्मि तिवारी। कहाँ मिलेगी आज वो? अच्छा हो जाएगा उसका इंतजाम आज। हेलो लेदा सिंह, दारू पी के हमारी कार से जानबूझकर टकराते हैं क्या? अरे चोट लग जाती तो? चोट लगा भी और नहीं भी लगा। मतलब तुम्हें फिर से पैसे चाहिए? आज इसको हम लोग पैसे नहीं देंगे, ये कोई नौटंकी बाज लगता है, सबके साथ यही करता होगा, आज तुमको एक पैसे नहीं देंगे हम लोग। एक पैसा नहीं दोगे? अभी बताते हैं बेटा। मैडम जल्दी चलिए, इलाका ठीक नहीं है। ओ, तो तू ही है वो मैडम जो गांव वालों को भड़काने के लिए आई है। देखिए
हम गांव वालों को भड़काने नहीं बल्कि उनको समझाने आए हैं। अच्छा, तो समझाने आई तो समझाओ। हम भी तो सुने कि तू का समझाने आई है। देखिए, हम सोशल वर्कर हैं। झारखंड से बहुत बड़े लेवल पर मानव तस्करी होता है, खासकर छोटी छोटी बच्चियों को यहाँ से लोग खरीद कर ले जाते हैं, स्कूल में पढ़ाने के नाम से, काम दिलाने के नाम से, और वहाँ जाने के बाद उनके साथ बदसलूकी की जाती है और उनको गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो तुमको क्या परेशानी है? तुम कहीं के नेता हो या मंत्री हो? नहीं नहीं, मैं इस प्रथा के खिलाफ लड़ना चाहती हूँ। उन मासूम बच्चों के माँ बाप को समझाना चाहती हूँ कि उन्हें इस तरह से किसी के हवाले ना करे। चुप कर! अगर वो लोग औरों के हवाले नहीं करेंगे ना, तो मैं तुम्हें भगवान के हवाले कर दूंगा। मतलब? मैं समझी नहीं। हम समझाने में ना ज्यादा मेहनत नहीं करते, डायरेक्ट घोड़ा दबा देते हैं ऐसे। देखिए, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमें जाने दीजिए, बस हम यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। लड़का बहुत ही समझदार है, बहुत जल्दी समझ गया। और तुम तो यहीं की लगती हो, और तुम इनके साथ। ए, तुम लोग निकल रहे, लेकिन ये मेरे साथ जाएगी। देखिए, इसमें इस बेचारी का कोई कसूर नहीं है, ये तो बस हमारे साथ काम करने के चक्कर में आ गई थी। वही तो, घर का भेदी लंका ठाए, काम के चक्कर में यहाँ आ तो गई, पर जाएगी हमारी मर्जी से। निकल रहे, चलो, ये मेरे साथ रहेगी। देखिए, माफ कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए इसके साथ। इसके साथ कुछ हो गया तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बस, अब जरा भी देर किया ना तो सच में तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। चल 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 चल, निकल 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 निकल। पुलिस के डर से भाग तो गए ये लोग, पर इन्हें पता कैसे चलता है? जो हुआ से तुम भूल जाओ, तुम तो हिम्मत वाली लड़की हो ना, तुम इस तरह से डर जाओगी तो लोगों को कैसे जागरूक करोगी? हम जो कर रहे हैं उसकी वजह तुम भी तो हो। सोचो सोचो, जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी और के साथ होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे रोकने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम झारखंड से बिलोंग करती हो, तुम जो कुछ कहोगी उससे यहाँ के लोगों को ज्यादा भरोसा होगा, और जब तुम्हारी आप बीती उनको पता चलेगी तो वो समझ पाएंगे कि उनके बच्चों को बाहर ले जाकर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। तुम्हारी जैसी और भी लड़कियां होंगी जिनको लोगों के सामने लाना जरूरी है। हम जो कर रहे हैं वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इस काम से हम इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हमने बचपन में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है। हाँ दीदी, बहुत कुछ झेला है हमने। आज भी सोचती हूँ तो डर लगता है। मैं सिर्फ 13 साल की थी तब, जब मेरे माँ बाप ने मुझे बेच दिया था। मुझे अच्छे से रखने का वादा किया था उन लोगों ने। पढ़े लिखे थे पर दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत बहुत बुरा सुलूक करते थे मेरे साथ। ले जाने से पहले पढ़ाएंगे बोले थे, पर जाने के बाद सब कुछ बदल गया। कुछ भी बोलो,
तो तुम मार पीट करने लगते थे और एक दिन क्या हुआ पूनम? कुछ भी नहीं दीदी, याद है, सब कुछ याद है। ऊपर वाले ने तुम्हें तो बचा लिया, पर ना जाने कितनी मासूम इन लोगों की शिकार बनी है। उन्हें बचाना बहुत जरूरी है। ये समस्या सिर्फ टोरी चंदवा या लातेहार की नहीं है, बल्कि पूरा झारखंड महिला तस्करी का शिकार है। हाँ दीदी, मेरे ही गांव से कितनी लड़कियां दिल्ली में बेच दी गई हैं। पूनम, मैं तुम्हारे गांव जाना चाहती हूँ। पूनम, पर मैं नहीं। पूनम, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। जिन माँ बाप ने तुम्हें बेच दिया, तुम उनके पास नहीं जाना चाहते। सोचो, जिन लड़कियों को तुम्हारे साथ बेचा गया था, उन्हें बचाना भी हमारा फर्ज है। हम गांव जाकर उनके माँ बाप से बात करेंगे कि कहाँ हैं उनकी बच्चियां। तुम्हारे बारे में जब उनको पता चलेगा तो शायद उनको बुरा लगे, और अपनी बच्चियों के बारे में बता दे कि कहाँ हैं वो, कौन लेकर गया था उनको। चलो हम उनके माँ बाप से मिलते हैं। पर उनके माँ बाप से ही। अरे भैया रुको रुको, ये जो घर है वो आगे वाला वो मेरी सहेली बुधनी का घर है। उसे भी मेरे साथ बेच दिया गया था। जो दारू पी के पड़ा है वहाँ पे, उसका बाप है वो। ठीक है, चलो हम उनसे बात करते हैं। नहीं दीदी, हम नहीं जाएंगे, प्लीज आप लोग जाइए। ठीक है गौरांग, चलो हम चलते हैं। नमस्ते बाबा, हम लोग दिल्ली से आए हैं, आपकी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा, दिल्ली से आए हैं? हमारा पैसा कहाँ है? हम अपना बेटी को बेचे थे, पूरा पैसा नहीं दिए थे आप लोग? देखिए, हमने आपकी बेटी को नहीं खरीदा था, हम तो उसके बारे में पता करने आए हैं। कहाँ है वो? हमको का पता कहाँ है, जो लेकर गया उसको पूछिए। हाँ, लेदा सिंह से पूछिए, बुड़बक बना कर ले गया हमरा बेटी को, हमरा बुदली को। बेटी भी गई, पैसा भी नहीं मिला। देखिए, आप हमें सहयोग कीजिए, हम आपकी बेटी को वापस लेकर आएंगे। कोई तो होगा जो उसका या लेदा सिंह का पता बता सकता है। सबसे आगे वाला घर में जाइए, पूछिए।
नमस्ते, हम लोग आपसे मिलने आए हैं। क्या आप लेदा सिंह को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। वो दलाल, वो हमरा बेटी को ठग के ले गया है दिल्ली। आप लोग दिल्ली से आए हैं? कहाँ है मेरा बेटी? ए, अरे देख दिल्ली से आए, जल्दी आ। दिल्ली से आए हैं? ओरे बाबा, इतना दिन बाद आए हैं, हमार छोड़ी को ले गए और पूरा पैसा भी नहीं दिए, इतना दिन बाद देने आए हैं? देखिए देखिए, हम लोग वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपकी बेटी के बारे में पता करने आए। कहाँ है वो? फिर हमको बुड़बक बना रहे हैं? आप लोग मेरा बेटी को ले गए हैं और पूरा पैसा भी नहीं दिए। आप लोग बता सकते हैं किसके हाथों बेचा था आपने? कौन था वो? उसका नाम उदलालू उलेदा, लेदा कहते थे सब उसको। लेदा सिंह? हाँ हाँ, वही नाम था। बुड़बक बना के सबको ठग लिया। कहाँ लेकर गया उसे? वो कहाँ है अभी? कुछ पता है आपको? कुछ पता नहीं है, कहाँ आयो? दिल्ली में है, बस यही पता है। आपकी बेटी का नाम क्या था? पूनम। पूनम उराव? हाँ, बहुत अच्छी थी हमारी बेटी। दारू पी के इसका बाप दे दिया था उस दलाल को। कहाँ कहाँ पता नहीं किए उसका। पुलिस के पास भी गए थे तो वो भी हमें से पूछता है। 6-7 साल से राह देख रहा है उसका, कैसन होगी, कहाँ होगी। रोज सपना में देखते हैं, बहुत तकलीफ में है वो। आप लोग कहीं से भी हमारी बेटी को ढूंढ के ला दीजिए। आयो, ईश्वर ने जब है दिया इनको बराबर का हक, फिर बेटा और बेटी में हमने किया क्यों फर्क? ईश्वर ने जब कहा थे इतना दिन, इतना साल में हम लोग का याद नहीं की। वही जा, तुम लोग भेज दिया थे हमको, बेच दिया हमको। नहीं नहीं, हम नहीं बेचे थे, इतना बाप दारू पी के बेच दिया था। कोई मदद नहीं किया, तुमको बहुत खोजे, और उलेदा सिंह का भी कोई पता नहीं। आयो, दादा कहाँ है? वो शादी करके अलग हो गया, हमको छोड़ के चल गया। भगवान ने हम लोगों को सजा दिया है, लक्ष्मी समान बेटी को घर से बेघर किए। आयो, अभी हम जिंदा है ना, चिंता नहीं करना, हम तुम लोग दोनों का ख्याल रखेंगे। क्यों ना मिलकर के अब देखे दुनिया में सब, बेटे बेटी को एक आँख से, क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से, क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। थैंक यू दीदी, आपकी वजह से आज हम यहाँ पहुंच पाए। ये लेदा सिंह कौन है पता लगाना बहुत जरूरी है। हमरा एक बात भी झूठ निकले तो हमरा नाम लेदा सिंह नहीं, और हम जो बोलते हैं करते भी वही हैं। देखिए
आ गए आपके कर्मधार लोग, लाइए भाई दीजिए दीजिए पैसा अपने हाथ से दीजिए। चलिए लीजिए ये पैसा देख लीजिए आप गिन लीजिए। बस इतना ही? अरे ये तो काम करने का है। और ये रहा शादी का। शादी? अरे हमार लड़की तो छोटी है अभी। अरे तो अभी कौन से शादी करना है, अभी तो घर का काम करना है हा? उसके बाद वो जब घर में जाएगी तो उसको अच्छा खाना पीना मिलेगा हा? और फिर शादी, जब शादी कर लेगी तब तो अपनी बिटिया रानी घर में बहू बन के रहेगी। घबराओ मत, वो जब बड़ी हो जाएंगी ना तभी पत्नी धर्म निभाएगी है? ठीक है ना? ठीक है, पर दोनों लड़की को ले जाते तो हाँ 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 सही बात है। वो तो अभी बहुत छोट है, अभी उसका उतना नहीं मिलेगा। तो कितना मिलेगा? आधा। आधा? सिर्फ 25। मंजूर है तो बोलो, नहीं तो भाई हमारे पास समय नहीं है। हाँ मंजूर है। ये लगाओ ठेपा। एक मिनट। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इन अनपढ़ गरीब लोगों को बेवकूफ बनाकर गैर कानूनी काम करवा रहे हैं। भाई हम तो इनकी गरीबी दूर कर रहे हैं, पर आप लोग कौन हैं? हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारा एनजीओ है। साफ साफ कहे तो हम महिला तस्करी के खिलाफ जन जागरण अभियान चला रहे हैं और लोगों को सचेत कर रहे हैं कि ये काम गलत है। इसमें गलत क्या है? इन गरीब लोगों के पास खाने के लिए कुछ है नहीं, और अगर कोई इनकी बच्चियों की मदद कर रहा है तो क्या गुनाह कर रहा है? लेकिन काम सिर्फ लड़कियों को क्यों मिलता है, लड़कों को क्यों नहीं? इनके घर पर एक लड़का भी है, पर आपने तो उसे काम नहीं दिया। इन दो लड़कियों को ही काम दे रहे, वो भी इन अनजान लोगों के पास सिर्फ कुछ पैसों के लिए। देखिए मैडम, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। ये लोग अपने माँ बाप की मर्जी से जा रहे हैं, कोई इनके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा है। जबरदस्ती नहीं किया, पर जबरदस्ती किया जाएगा जब ये इनके घर की चार दीवारों में कैद हो जाएंगी, तब जबरदस्ती किया जाएगा। ये बात आप भी जानते हैं लेदा सिंह। झूठ, एकदम झूठ। आप सबूत दीजिए। सबूत? सबूत चाहिए आपको? ये रही सबूत, शायद आप इसे तो पहचानेंगे नहीं। ये है सबूत, देखिए, ध्यान से देखिए इसे। आप तो इसे पहचान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके इन शुभ हाथों से ना जाने कितनी हजार लड़कियों का कन्यादान हो चुका है। आपको तो याद रखना भी मुश्किल होगा। ये पूनम है, जो आपकी वजह से 7 साल पहले ही बिक चुकी थी। इसके साथ जो कुछ हुआ आप सुनना चाहेंगे? देखिए हम तो इनकी भलाई के लिए काम करते हैं, अब इसमें कोई गलत निकल जाए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? भाई हम अपना काम तो ईमानदारी से करते हैं ना, है कि नहीं? अच्छा, ईमानदारी से? तो आपकी ईमानदारी का जांच पड़ताल भी कर लेते हैं। जरा वो पेपर देना, दिखाएंगे वो पेपर, उसमें क्या लिखा है? दिखाइए दिखाइए। ए मैडम, आप जानती नहीं है हमको, वापस जाने नहीं सकोगी यहाँ से, बता दे रहे हैं। कब से समझा रहा, समझ में नहीं आता क्या? लास्ट वार्निंग दे रहे हैं आपको, चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, और नहीं तो फिर समझ लीजिए। नहीं तो क्या, मुझे पता था कि आपको गुस्सा जरूर आएगा और आप मुझे धमकी भी देंगे, इसीलिए आपके लिए सारा बंदोबस्त करके आए हैं। पुलिस पहुंचने ही वाली होगी, घबराइए नहीं। मानव तस्करी कानूनन जुर्म है,
इसके लिए आपको 10 साल की सजा भी हो सकती है और अलग से जुर्माना भी देना पड़ सकता है। देखिए गांव वालों, इस तरह के लोग आप लोग को गुमराह करके आपके फूल से बच्चों के साथ जुर्म करते हैं। आपकी गरीबी का फायदा उठाकर आपके बच्चों को गलत रास्ते में ढकेल देते हैं। जरा इस लड़के की उम्र को तो देखिए, क्या उम्र है तुम्हारी? बोलो बोलो। 30 साल। 30 साल। सुना सुना आपने गांव वालों, 30 साल। और शादी किससे करेगा? आपकी बेटी से, जो अभी नाबालिग है। लेदा सिंह जी, शर्म आनी चाहिए आपको। इन मासूमों के दलाली के पैसों से आप अपना घर चलाते हो, तुम्हारे बीबी बच्चे भी तो होंगे, इन पैसों से उनके लिए तुम टॉफी लेकर जाते होगे, खिलौने लेके जाते होगे। अच्छा लगता है कि बच्चे तो खुश होते होंगे कि उनका बाप मेहनत करके पैसे लाता है। ये जो जिंदगी है ना लेदा सिंह जी, एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं। कोई यहां हमेशा के लिए जिंदा रहने नहीं आया, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, हर किसी को एक दिन चले जाना है। फिर दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश क्यों? देखो इन मासूम बच्चों को, इनको ये तक नहीं पता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। और तुम बेटी से नफरत करने वालों, बहू खरीदने आए हो, पत्नी चाहिए पर बेटी नहीं चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, इन मासूमों की जिंदगी बर्बाद करने आए हो। हेलो जी, जी हम यहीं हैं, आप जल्दी आ जाइए। दीदी, इंस्पेक्टर साहब का फोन था, वो पहुंचने ही वाले हैं। भाग कर कहां जाओगे लेदा सिंह? भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, पकड़ो गांव वालों। और हमारा ये सफर चलता रहा। हमारी संस्था मानव तस्करी के शिकार लड़कियों को ढूंढकर इकट्ठा किया, उनको लोगों के बीच लाकर आने वाली पीढ़ियों को तस्करी से बचाया, उनकी देखभाल के लिए कई सेंटर बनाए, खेलकूद से लेकर आईएएस और आईपीएस बनने का सपना सजोए हुए ये लड़कियां अब कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने घर में छोटी उम्र की लड़कियों को नौकरानी के तरह न रखें। आज जब प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की मुहिम चला रहे हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम भी इसमें शामिल हों और इन बच्चियों को जूठे बर्तन पकड़ाने की बजाय कलम और कागज पकड़ा कर इनकी अदम्य प्रतिभा को उज्जवल बनाएं। आपने देखा कि किन हालातों में ये मासूम बच्चे दलालों के जाल में फंस जाते हैं और फिर किस तरह इनकी मासूमियत का गला घोट दिया जाता है। अब हमें जरूरत है इन्हें समझने की, इनके साथ खड़े होने की। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए सलाम इंडिया।